वार्ड नंबर 47 के लोगों ने नगर निगम पर आरोप लगाया है कि नगर निगम ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर रखा है, क्योंकि यहां पर कोई भी सुविधा नहीं है और उन्हें उनकी जरूरत होती है तो उनकी सुध नहीं लेती। उन्होंने कहा कि जब वोटों की बारी आती है तो सभी यहां चले आते हैं, और जब वार्ड के सुधार की बात आती है, विकास की बात आती है, तो कोई भी उनकी सुध नहीं लेता। प्रॉब्लम है भी गली की बुरी हालत है, जगह जगह पानी खड़ोते रहे, जगह जगह लैटरिंग है, जगह जगह कूड़ा लगे रहा, ढेर ही ढेर लगे रहे। कोई परौना आ जाए तो सानू परले पासे लेने पैदा कि उधरों गली च आ जाओ तो उधरों गली च आ जाओ। इन्नी कि बुरी हालत साले महल की है, तकड़ी वाला जित गया तो फुल वाला जितया नहीं, तो कांग्रेस वाला जितया नहीं। और तकड़ी का कहता मैं परवाह ही नहीं मारनी, मेरे पास जो मर्जी हों, मैनू कहते 30 वोट पे रहे सारे, पर हूँ अं करिए सू अपनी प्रॉब्लम समझ आ रही की करना चाहिए सू। वार्ड नंबर 47 तो मैं बोलता पाया जी, साढ़े 15 दिन तो सीवरेज की ब्लॉकिंग आई दी है, बहुत ज़्यादा गंद पैदा, बच्चों ने स्कूल जाना हों, कोई डिग रहे ने, कोई कुछ ने, कई बच्चे तो स्कूल ही नहीं जा रहे, इन्ना गंद है, लोग घरों बाहर नहीं निकलते, इन्नी स्मैल पई हुई है। तो अं प्रशासन यही चाहते हैं कि कोई ना कोई बंदे भेज के तो सफाई की जाए, तो जिहड़े MC बने ने साढ़े इतों तकड़ी वाले, जे अं उन्होंने फोन करते हैं तो वह कहें कि हजे थोड़े दिन ही होए ने मैनू MC बने दे, हजे अं सूह चुकांगे तो आप काम शुरू करांगे। ऐ पानी का ना, पानी काफ़ी देर हो गया, महीना ही हो गया, तुम ला लो कि पानी कोई नहीं इधर आए कदा ना देखे कदा, सारे बच्चे भी डिगे कदे आ, पानी सारा टट्टियां भी सारिया बाहर आए गई, तो गंद इन्ना है कि टप टप के सानू जाना पैंदा पिया। हूँ अं कहने कि साड़ी गली साफ कराई जाए, गटर नवे पाए जान, सानू जिहड़ियां पैपा पूपा सब कुछ नवियां पाइया जान, होर की है। तो पानी भी मी साल ही हो गया, पानी तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, अं खूह तो पानी सारा कम ही अं पानी का खूह तो ही करना हुंदा, फिर अं टप टप के बाल्टियां लैके जाना पैंदा पिया सानू।